हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ईवीएस के लिए, जिनसे दोस्तों लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, 10 दिन का समय बचा हुआ है, केवल और केवल रिविजन का टाइम है। तो हमारे साथ आपको केवल 10 दिन रिविजन करना है। जितने पिछले वीडियोज़ मैंने आपके लिए बनाए हैं उन सभी को दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट किए हैं, लगभग 15+ प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए हैं, यूथ के भी कराए हैं, घटना चक्र के कराए हैं, साथ में सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन मैंने अलग आपको कराए हैं। तो मैंने बहुत कुछ आपको ईवीएस में करा दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि हम लोग क्या करें कि 10 दिन बढ़िया से रिविजन करते हैं। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन मैं आपके लिए बेस्ट तरीके से लेकर आऊँगा। आपको पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, पीडीएफ जाकर के टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ से अपना रिवीजन कर लेना है। जब दूसरा वीडियो आए तो उसके पहले पहली वाली पीडीएफ को क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। बस आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो उनका नाम था दोस्तों W.G. Rosen, उनका नाम था। उन्होंने 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और देखिए दोस्तों, जो जैव विविधता है उसका मापन जो होता है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। और ये जो विभाजन किया था ये किसने किया था, तो दोस्तों इसका विभाजन, ये जो विभाजन किया था वो विटेकर ने किया था 1972 में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन UPTET में पूछा गया है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो है दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 2011 और से 20 जो दशक घोषित किया गया वो भी क्या घोषित किया गया, जैव विविधता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित है, याद रखें इसको। अगले प्रश्न पे आइए कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, जैव विविधता को परिभाषित कैसे करते हैं कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जो होती है, या विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में ही हम क्या करते हैं, जैव विविधता को परिभाषित करते हैं। तो इसका आप आंसर ये करेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। देखें, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो पादप एवं जंतु होते हैं, अगर एक निर्धारित कोई क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के क्या हैं कि पादप और जंतु की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वहां पे जैव विविधता उसका अर्थ होता है। मतलब वही सब कुछ क्या होता है, जैव विविधता होती है। आगे देखिए, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा जो दोस्तों जैव विविधता होती है, जैसे ये है आपका, तो ये जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, इसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ की क्या होती है, अधिकता होती है, जिसके जो जैव विविधता के लिए आवश्यक है, साल भर वर्षा हो, तापमान सही मिले, तो वहाँ पर जैव विविधता अच्छी पाई जाती है। तो इसीलिए जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश इसका आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं कि जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान की जाती है। देखिए दोस्तों, जो ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, इनमें इतनी ज़्यादा अच्छी जैव विविधता पाई जाती है कि इस क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार की उपमा दी गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है। एक नहीं, कम से कम दोस्तों 5 बार ये क्वेश्चन आपके UPTET में पूछा गया है। हर साल में आप उठा के देख लीजिएगा, बेशक 1-2 साल में ना पूछा गया हो, हर साल दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है।
तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ये जो आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला सब जगह होती है, यहीं पे दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों डाउट में रहता है, हर जगह अलग अलग लिखा है, इसको आप देखें कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार कितने डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। देखें प्राणियों और प्रजातियों की पादपों की जातियों में ज़्यादा विविधता कहाँ मिलेगी, जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होगी। और जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, तो वही बात है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। फिर बात करते हैं जैव विविधता में परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों जो जैव विविधता होती है, जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है वो भूमध्य रेखा की, ऐसे जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये है तो ये आपकी भूमध्य रेखा है। आप देखो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो जैव विविधता ऑटोमेटिक कम होगी, और इधर भी आप इधर आओगे तो भी कम होगी, लेकिन अगर आप ध्रुव की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आते हो तो बढ़ती है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो भूमध्य रेखा की तरफ क्या होगी, बढ़ेगी, और ध्रुवों की तरफ क्या होगी, घटेगी। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखें एक क्वेश्चन आपका, ये देखिए लेवल आप देखिए। देखिए दोस्तों जो UPPCS में जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनका जो हल्का वाला वर्जन होता है, मतलब तथ्य वाले क्वेश्चंस को हटा करके सब कुछ डिट्टो टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। मैंने कम से कम दोस्तों 6 महीने ये चीज़ देखी है कि जो क्वेश्चन आपके UPPCS में पूछे गए हैं, जा करके आप कोई भी बुक ऐसी उठाइए जिसमें UPPCS के क्वेश्चन दिए गए हों, फिर आप एक UPTET का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, दोस्तों जो आपके हल्के मतलब सीधी भाषा में क्वेश्चन UPPCS में पूछे जाते हैं 100% क्वेश्चन आपके वो टेट में, सुपर टेट में या CTET में पूछे ही जाते हैं। हिंदी का कोई भी सेट आप उठा लीजिए और जाकर के UPPCS के क्वेश्चन पीछे के देख लीजिए, 100% दोस्तों क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं आगे, देखिए ये वाले क्वेश्चन को कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। देखिए दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो शांत घाटी जो केरल में है, सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है, तो ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखिए वही क्वेश्चन आ चुके हैं कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो साइलेंट वैली परियोजना दोस्तों केरल राज्य से, याद रखना है आपको, केरल राज्य में है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, हर सेट में आपका क्वेश्चन देखने को जल्दी जल्दी मिल जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों शांत घाटी भी डायरेक्ट पूछ देता है आपसे, तो वो भी केरल में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि संसार के किस देश में वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों संसार के किस देश में वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ब्राज़ील में। कहाँ, ब्राज़ील में। आगे है कि जैव विविधता का कितने प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। तो दोस्तों जैव विविधता का 7.5 से लेकर के 8% भाग तक भारत में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बस। आगे देखें दोस्तों हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, हॉटस्पॉट जान लीजिए किसे कहते हैं। देखिए हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, तथा यही जातियों क्या होता है, साथ ही ये जातियाँ निरंतर संकटग्रस्त भी बनी रहती हैं, तो उसी को हम हॉटस्पॉट क्या कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, मतलब उसे हॉटस्पॉट कहा जाता है, हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखें जो हॉटस्पॉट शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मन मायर्स ने किया था, किसने किया था, नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में, याद रखिएगा नाम को। अगला है भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। देखिए दोस्तों भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है, तो हिमालय आपका जो है, इसके अलावा जैसे आपका ये वाला जो पूर्वी वाला है ना, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी घाट, और एक आपको इंडो बर्मन वाला है,
और एक आपको सुंडा वाला है। तो ये चार आपके फेमस हैं, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो है, ये आपका उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है वो ज़्यादा आपका सॉरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे देखें कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो एक तो पश्चिमी घाट ज़्यादा फेमस है और एक पूर्वी हिमालय, तो इन बात को ध्यान रखिएगा। ये इसमें जो है दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता है इसकी तुलना में, ठीक है। आगे देखते हैं हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, वही दोस्तों नाम फिर से आया है नॉर्मन मायर्स। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति होती है वो ये है, जैव मंडल का रिजर्व, जैव मंडल जो रिजर्व होते हैं उनको बनाना। आप जैव मंडल रिजर्व बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जैव विविधता में संरक्षण करना चाहते हैं। आगे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी तकनीकें अपनाई जाती हैं। देखिए जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय जिसको इन सीटू बोलते हैं और बाह्यस्थानीय जिसे एक्स सीटू बोलते हैं, ये दो तकनीकें अपनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि स्वस्थानीय क्या होता है, मतलब कोई जानवर जैसे है वो संकटग्रस्त है तो उसको उसी के आवासीय क्षेत्र में रख कर के संरक्षण प्रदान किया जाए तो वो हो जाता है स्वस्थानीय, और कोई प्रजाति जो है बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है उसको कहीं दूसरी जगह लेके उसके आवास से बाहर ले जा करके उसको वहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाए तो वो बाह्यस्थानीय हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, है ना, आपका जैसे ये अभ्यारण हो गए सब, वो तो स्वस्थानीय रहते हैं। जैसे चिड़ियाघर हो गया तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका बाह्यस्थानीय हो जाता है, मतलब एक्स सीटू हो जाता है। तो यहाँ तक आप देख चुके हैं, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों में आनुवांशिक विविधता का किस विधि द्वारा किया जाता है। मतलब वही बात कह दी गई है आपसे, संरक्षण जो है वो जो राष्ट्रीय उद्यान अगर वन्य जीव अभ्यारण्यों को देखे तो वहाँ पे दोस्तों वो संरक्षण जो होता है वो इन सीटू, मतलब उनको उन्हीं के जो है पर्यावरण में या परिवेश में रख करके उनको क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो वो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। इसके अलावा जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वही बात फिर से देखो क्वेश्चन में लिखी है जो मैंने बता दी आपको। कहते हैं कि जब वनस्पतियों एवं जानवरों को विलुप्त प्रायः प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से अलग किया जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बाह्यस्थानीय एक्स सीटू बोलते हैं। देखिए बहुत से लोगों को दोस्तों नहीं पता होगा, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं, आप उन लोगों से तो 100% ज़्यादा नंबर लेके आओगे और उन बहुत से ऐसे लोगों से नंबर ज़्यादा लेके आओगे अगर आप वीडियो में अपना समय दे रहे हो और इन चीज़ों को सीख रहे हो, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ये यूपी टेट के लेवल के ऊपर की चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव क्या होता है, फिर वही बात है इन सीटू होता है। आगे देखें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामर्थ्य प्रयोग होती है। ये जानते हैं क्या है, जानते हैं कि जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे क्या होते हैं कि उनको आपने देखा होगा कांच में रखे जाते हैं, है ना, तो वो उनके लिए क्या होता है, एक्स सीटू होता है, बाह्यस्थान होता है। तो वहाँ पर अब हमको अपने वातावरण में भी क्या चाहिए, पर्यावरण में हमको अपने वातावरण में नाइट्रोजन चाहिए, भाई सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है 78%। तो भाई जब आप किसी को संरक्षण ऐसे उसका संरक्षण कर रहे हो जिसको जो वातावरण के लिए बना हुआ है, मतलब अपने हम लोगों को जैसा है, और उसको आप किसी ऐसे स्थान पर क्या कर रहे हो, संरक्षित कर रहे हो जहाँ पर कांच में जैसे बंद करके रखा जा रहा है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन क्या करते हैं कि सामान्यतः कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखें दोस्तों, कहते हैं कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए कृत्रिम ग्रीन हाउस, जो कृत्रिम ग्रीन हाउस होते हैं उनके द्वारा वनस्पतियों का अब वनस्पति जैसे कहीं लगी हुई हैं उनको उनके स्थान से हटा करके कहीं जा करके कृत्रिम ग्रीन हाउस में लगाया गया तो वो अपने स्थान से दूसरी जगह ले जाई जा रही हैं, तो अन्यत्र संरक्षण पद्धति बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, अन्यत्र संरक्षण पद्धति, ओके। आगे देखें दोस्तों कि भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले चार प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। देखिए दोस्तों ये जो प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र होते हैं ये भी बहुत जैव विविधता के लिए आदर्श माने जाते हैं, जैव विविधता इनमें बहुत पाई जाती है, तो जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप,
तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो आपका एक डिग्लोफेनिक सोडियम होता है, यहाँ पे बस इसकी जानकारी देखिए, ये क्या है, कुछ संकटापन्न जीवों के बारे में हम बात करें आगे। देखिए कौन सी ड्रग्स गिद्धों की समिष्ट में हास के लिए उत्तरदायी है। अब ये भाषा बड़ी कठिन लिखी है। एक ऐसा ड्रग होता है दोस्तों जिसको क्या करते हैं किसान लोग अपने पशुओं को खिलाते हैं दर्द निवारक के लिए, उसको बोलते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम। और जब उस दौरान उस पशु की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत शरीर को गिद्ध खा लेते हैं, आप जानते हो गिद्ध एक मृतक बच्ची हैं, उनको जब खा लेते हैं तो एक ही महीने के अंदर उन गिद्धों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बात जो है आपकी क्या है, ये बात जो है डिक्लोफेनिक सोडियम से रिलेटेड है। तो यही है दोस्तों डिक्लोफेनिक सोडियम, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यही रीजन है कि अब देखिए गिद्धों की संख्याएं क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, गिद्ध लुप्त हो चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिए। आगे देखिए दोस्तों कि पशुओं को दिए जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा भारत के गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपसे इस फॉर्मेट में पूछेंगे, चार ऑप्शन इसमें देंगे, तो आप कहोगे डिक्लोफेनिक। क्या कहोगे? डिक्लोफेनिक। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। अगला देखो, कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले एक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आज कल कभी कभी कभार नजर आते हैं, इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। कौन उत्तरदायी है इसके लिए? तो गो पशु मालिकों के द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। वही बात हो गई सीधे सीधे जो अभी तक पढ़ रहे हो आप। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, पूछा हुआ है कि मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। मतलब मॉरिशस में दोस्तों एक वृक्ष है, वो प्रजाति प्रजनन में असफल रही, तो उसका नाम है डोडो। देखिए डोडो उसका नाम है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे कि भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुन, कौन? उड्डयन बलगुन, जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, वो आखिर है क्या? तो ये जो उड्डयन बलगुन है या फ्लाइंग फॉक्स है, ये एक तरीके का चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ है। आगे देखें कि डिंगोंग नामक समुद्री जीव के की विलोपन के कगार पर है, यह क्या है? देखिए ये दोस्तों, इसको हम लोग समुद्री गाय कहते हैं, ये एक प्रकार का स्तनधारी मैमल है, और ये जो होता है विलोपन की कगार पर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहते हैं देखिए, बलुई और लवणीय क्षेत्र के एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में उस पशु पर कोई परभक्षी नहीं है। मतलब अब फिर से मैं समझाता हूँ, ज़्यादा इसको लैंग्वेज इसकी समझिए थोड़ा सा, कि बलुई और लवणीय क्षेत्र है, जैसे जो क्षेत्र होते हैं उसमें भारतीय पशु प्रजाति का एक प्राकृतिक आवास होते हैं ये सब, तो उस क्षेत्र में एक पशु है जिसके कोई परभक्षी तो नहीं है, किंतु आवास उसके ध्वंस हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, इसकी वजह से वो भी अस्तित्व में आ गए हैं, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों भारतीय वन्य गधा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ये कच्छ के रण में पाया जाता है। भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास जो है वो कच्छ का रण है, इसी क्षेत्र में सुरक्षित है क्योंकि इसका यहाँ कोई परिभक्षी नहीं है, किंतु इसके क्षेत्र में कमी हो जाने के कारण इसका अस्तित्व क्या है, खतरे में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोस नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोस है, ये जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। कौन? प्रोसोपिस जूलीफ्लोस, तो इसे याद रखिएगा। आगे है कि सिंह पुच्छी वानर कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो सिंह पुच्छी जानवर है, ये आपका दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि ये जो हम बात कर रहे थे कि सिंह पुच्छी वानर कहाँ पाया जाता है, तो ये जो आपका सिंह पुच्छी जानवर है, ये दोस्तों पाया जाता है दक्षिण भारत के स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है, याद रखें। आगे देखें कि काली गर्दन वाला सारस किस राज्य
का राज पक्षी है। तो ये जो दोस्तों काली गर्दन वाला सारस है ये जम्मू कश्मीर के राज्य का राज पक्षी है। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक उड्डयन गिलहरी है? देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये वाला पूछा गया है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक उड़न गिलहरी हैं, तो वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कि IUCN क्या है। तो दोस्तों IUCN के बारे में आपको पता होगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। इतनी बात तो आपको पता ही होगी IUCN क्या है। आप देखें IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक्स को कौन प्रकाशित करता है, तो IUCN प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक्स में विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। ये जो रेड डाटा बुक है उसमें जो जानवर विलुप्त हो रहे होते हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है। बात को समझे। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है कि प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष तक ना दिखे तो उसको क्या कहेंगे, विलुप्त प्रजाति घोषित कर देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखें दोस्तों कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है, IUCN है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे है विलुप्त तो होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध होती है रेड डाटा बुक में। भारतीय पक्षियों में अत्यधिक संकटपन्न किस्म कौन सी है, ये बहुत पूछा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन सा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये दोस्तों दिसंबर 2002 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 चेन्नई में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की। तो भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की, कहाँ पर, चेन्नई में। ओके, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे हुए हैं कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, 2002 में, और भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 में। ओके, चलें अगला प्रश्न देखिए कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। देखिए दोस्तों जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो संकल्पना दी गई थी वो ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई थी। जैव विविधता हम लोग ये पीछे देख चुके हैं, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था, तो ये नम भूमि से संबंधित था। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, देखिए मित्रों जो वेटलैंड दिवस मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि कौन सी है, तो ये गुजरात है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये भी पूछा गया। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने आज जैव विविधता टॉपिक उठाया है, उसको पूरा कवर कर लेंगे। अब देखें दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके ये रामसर वाले हैं, आर्द्र भूमियाँ पूछी जाती हैं, वो ध्यान रखिए। आपसे पूछेगा सुंदर वन आर्द्र भूमि कहाँ है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। ये तो आपको पता ही होगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों बेम्बनाद कोल आर्द्र भूमि, बेम्बनाद कोल आर्द्र भूमि कहाँ है, केरल में है। कहाँ है, केरल में है। तो ऐसे याद करा करो, किसी से कहते हो कबे कबेनाद, कबेनाद ऐसे बोल दो किसी से कहते हो कबेनाद, तो जहाँ पे बेम्बनाद आ जाए कोल आर्द्र भूमि केरल। वैसे बेम्बनाद जैसे ही नाम आता है केरल याद आ जाता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसलिए।
दोस्तों चिल्का झील याद करने की जरूरत ही नहीं है, ओडिशा आप सभी को पता है। कोलेरू झील देखिए दोस्तों, कोलेरू झील याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? कोलेरू झील जो होती है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इसको कैसे याद करोगे? देखिए जो कोलेरू होती है, जब कोई कॉल करता है तो कॉल जैसे किसी को करनी है तो बढ़िया वो अंदर जाके अपने घर में आराम से करता है, तो यहाँ पे अंदर जाके कॉल करता है, इसलिए इसको कोलेरू झील से जोड़ दो, अंदर से आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे जो भीतर कनिका मैंग्रोव है वो ओडिशा में है। कहाँ पे? भीतर कनिका मैंग्रोव जो है वो ओडिशा में है। और आई होप हमको ये नहीं लगता है कि दोस्तों ये आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको बता चुके थे कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अष्टमुडी दोस्तों देखिए केरल में है, सिंपल सा है। ये वाला याद करिए कि वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। इसके अलावा दोस्तों लोकटक झील बहुत फेमस, मणिपुर पता है। ऊपरी गंगा नदी दोस्तों पता है आपका, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों सांभर झील भी सभी को पता होती है, राजस्थान, बट इम्पॉर्टेंट है। वूलर झील बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा दोस्तों पौंग बांध झील, ये थोड़ा सा देख लीजिए कि पौंग बांध झील कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। देखिए जब दोस्तों पौंग बांध दिए जाएंगे, पैर बांध दिए जाएंगे, तो आप चल नहीं पाओगे, तो पौंग को पैर से रिलेट करके ऐसे याद करिएगा। आगे है पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि, जहाँ पे कलकत्ता आ जाए तो पश्चिम बंगाल तो भूल ही नहीं सकते हो, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। आगे है दोस्तों सो मोरूरी, देखिए सो मोरूरी जो है वो जम्मू एवं कश्मीर, सो मोरूरी जम्मू कश्मीर, इसको छोड़ देते हैं, इसी को बाद में बचेगी तो उसे याद कर लेंगे। नल सरोवर पॉइंट, नल सरोवर पॉइंट केलीमियर, तो देखिए दोस्तों ये नल सरोवर पॉइंट जो केलीमियर है, आप नल के पास आ, देखो आपके पास थोड़ा सा गुड़ है और आपने नल सरोवर आर्द्रभूमि देखी, वहाँ पे नल लगा था, गए उसको चलाया, पानी पिया, गुड़ खाया, तो नल सरोवर पॉइंट केलीमियर को गुजरात से ऐसे जोड़ दो। हरिके झील दोस्तों देखिए, हरिके झील पंजाब, देखिए हरी जो होते हैं वो ऐसे हाथ किए हुए खड़े रहते हैं, ऐसे हाथ किए हुए खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो यही पंजाब से वहाँ पे याद कर लीजिए कि पंजाब जो है हरी हाथ खड़े करे रहते हैं, तो उससे हो जाएगा हरिके झील। फिर दीपोर बिल, दीपोर बिल वो क्या है? असम, दीपोर बिल असम, इसे याद करें, इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे। भोज आर्द्रभूमि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में है। केवला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में है, बहुत सिंपल सा है। होकोरा ये देखिए जो रहा, हो के रा आर्द्रभूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर। रोपड़ आपको याद रखनी है दोस्तों, रोपड़ जो है आपकी वो क्या है? पंजाब। अगर आप किसी के पंजाब मार दो तो वो रो पड़ेगा, पंजाब मार दो तो वो क्या होगा? रो पड़ेगा, ऐसे याद कर लो। हरिके हम लोग देख चुके हैं, यहाँ रोपड़ तक देख चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों सास्थाम कोट्टा, तो नाम ही ऐसा है कि केरल से जोड़ लोगे। इसके अलावा दोस्तों सुरसर मानसरोवर झील, तो ये जम्मू कश्मीर में है। रुद्र सागर झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है त्रिपुरा। रुद्र सागर झील कौन सी है? त्रिपुरा, मतलब ये आपका त्रिपुरा में है। इसके अलावा दोस्तों कांजली, कांजली की बात करें तो कांजली देखिए पंजाब। देखिए आपने किसी को जड़ से जब मार दिया वो रोने पड़ा तो उसका काजल भी बहने लगेगा, तो वहाँ से भी आप पंजाब को ऐड कर सकते हो। चंद्रताल आर्द्रभूमि और रेणुका आर्द्रभूमि, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है कि किस स्थला आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। देखिए हिमानी द्वारा दोस्तों आपको ऑप्शन में मिलेगा यू आकार की घाटी, तो ये जो स्थलाकृति हैं वो यू आकार के अक्षर की हैं, इसलिए इनका नाम यू आकार आपकी घाटी पड़ गया। आगे देखें दोस्तों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में दोस्तों माउंट केटू है, वैसे विश्व में तो माउंट एवरेस्ट आपको पता ही होगी। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछता है तिब्बत, आपको पता होगा। भारत के विश्व क्षेत्र के अधिकतम भूस्खलन की घटनाएँ कहाँ होती हैं? ये दोस्तों हिमालय में होती हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये पर्वतादार पर्वत का उदाहरण है, सॉरी मतलब परतदार पर्वत का उदाहरण है। आगे देखिए दोस्तों माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? देखिए जो माउंट आबू है वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है।
नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसे याद रखिएगा। भारत के सबसे पुराने पहाड़ दोस्तों कौन से हैं? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ अरावली पहाड़ हैं। नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथ के आगे सिक्के चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कौन सी रेखा भारत के लगभग सभी हिस्सों से होकर गुजरती है? तो वो कर्क रेखा है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए दोस्तों, भारत है उत्तरी गोलार्ध में और यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इधर जो दक्षिणी गोलार्ध में आपका 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए यहाँ पे अगर छोटा दिन पूछा जाएगा तो आंसर निकल के आएगा 22 दिसंबर, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। और भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वही चीज़ है, भारत भी आपका उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, इसलिए ऐसे गोरों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? अब देखो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध पूछा आपसे, तो उत्तरी गोलार्ध आपको पता है 21 जून होता है। मकर रेखा आपके 23 डिग्री साउथ करिएगा, ईस्ट मत करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये साउथ करिए, ईस्ट तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ मत करिएगा, क्या करिएगा? साउथ करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कहते हैं कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? देखिए किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित करते हैं उसका आधार देशांतर रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने समय का अंतर है? तो दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन या उत्तर पर खींची गई है? तो उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं कहाँ से? तो अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? तो वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है क्वेश्चन, अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। अगला है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो दोस्तों ये वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं, क्योंकि उस सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं किरणें। अगला है, पृथ्वी में एक बार 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक पास आ जाती है कौन? पृथ्वी, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों उपसौर, वो होता है आपका उपसौर। इसके अलावा जो होता कब है वो 3 जनवरी को होता है, और 4 जुलाई को अपसौर होता है जब सबसे दूर चली जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपसौर, ओके। चलिए आगे देखते हैं, कहते हैं ब्लैक होल की रचना सर्वप्रथम दी थी? तो दोस्तों ब्लैक होल की रचना सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं तो बुध और शुक्र हो जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों यूरी गागारिन था। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो वो नेपच्यून है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो वो शुक्र है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, ध्रुव तारा कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो दोस्तों टाइटन जो है वो आपका शनि ग्रह का उपग्रह है। सूर्य के निकटतम ग्रह दोस्तों कौन सा है? तो वो बुध है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? वही बात आ गई दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणा गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, इसको बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। अगला है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण मतलब दूसरे नंबर पर शनि का स्थान है आकार की दृष्टि से। यूरेनस सूर्य से ग्रह कौन सा है? तो ये यूरेनस जो है आपका अरुण जो है वो 7वां ग्रह है। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो वो दोस्तों प्लूटो है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट की अगर बात करते हैं तो वो दोस्तों कौन सा है? शुक्र है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सिंपल सा है, शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी सूर्य है। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर कौन सा स्थान है? तो दूरी के क्रम में पूछा है तो आप सभी को पता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो मंगल जो होगा वो दूरी पे जो होगा मतलब सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जो सूरज दिखाई देता है वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा द्वारा किया जाता है। सबसे भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो वो आपका दिल्ली है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। सारनाथ स्थित है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ, इसे ध्यान से देखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान और चीन से, देखो यहाँ पे आपका सिक्किम है, इधर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर चीन है, तो आपका जो ये सीमा लगेगी वो सिक्किम के साथ लगेगी। नेपाल के पड़ोसी जो हैं भारतीय राज्य कौन से है, तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य अगर बात करें तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, और इसके अलावा सिक्किम है। भारत में तटीय राज्यों की दोस्तों संख्या कितनी होती है, तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या प्रेजेंट टाइम कितनी है, 9 है। अगला प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो देखें जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू एवं कश्मीर के क्या है, जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। आगे है भारत का सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है, तो भारत का अगर सबसे ऊँचा पर्वत के बारे में बात करें तो भारत का दोस्तों वो आ जाता है आपका पर्वत, पूछा है चोटी नहीं पूछी है, तो काराकोरम पर जो आपका यहाँ पे करा केटू लिखा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर जो केटू है वही है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो गाडविन आस्टिन, बात वही होती है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइए, कह रहे भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो देखिए भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है वो अरावली है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है दोस्तों वो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें माउंट आबू निर्मित है, तो माउंट आबू आपका नीस से निर्मित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दंडकारण्य अवस्थित है, तो दंडकारण्य दोस्तों जो अवस्थित है वो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है। देखें जो तमिलनाडु का समुद्री तट होता है दोस्तों वो कोरमंडल तट कहलाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात की है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो दोस्तों सुमात्रा जो है वो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर मतलब सैंडल पीक कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर, उत्तरी अंडमान में है। आगे है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सप्तरथ मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है, तो वो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। इसके अलावा दोस्तों किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन की चिश्ती का दरगाह है, तो वो अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, अजमेर में दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है, ठीक है याद रखिएगा अजमेर में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये कोणार्क में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर की अगर बात करें तो वो राजस्थान में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है, द्वारिकाधीश मंदिर आपका मथुरा में स्थित है। कौन सा स्थान बाह के अंदर तथा पशुओं के मेले के लिए सुप्रसिद्ध है, तो ये आपका कौन सा है भाई, ये आपका पुष्कर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर, सॉरी गलत हो गया है, उस फिर से बोलते हैं कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर एक सिंगल ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ है, वो है दोस्तों पुष्कर, क्या है पुष्कर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार है, देखिए आप संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों वो आपका एक मूल अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार है। इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा हुआ, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो देखिए नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं महापौर या मेयर। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, तो वो प्रयागराज में स्थित है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो दोस्तों सारनाथ है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो वो दोस्तों 3:2 है।
आगे है कि राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? आपको पता है 14 से 18 तक समानता का अधिकार होता है मूल अधिकारों में, तो यही अनुच्छेद इसका 14 हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता उसमें है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रदेश में नगर निगमों की प्रेजेंट टाइम, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 है। राज्यपाल अधिकार संरक्षण कब आयोजन हुआ, उसका कब गठन हुआ, तो 2013 में गठन हुआ। दीपावली के शोक के रूप में मनाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो दोस्तों थारू जनजाति है। थारू जनजाति का एक त्यौहार होता है जिसको हम लोग वजहर बोलते हैं, याद रखें। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति जो होगी वो थारू हो जाएगी। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनजातियों की संख्या जो है वो गोंड समूह की है। गोंड समूह की जो सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों सर्वाधिक तो वो प्रयागराज और सबसे कम वो महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला गौतम बुद्ध और सबसे कम जो है वो श्रावस्ती है। फिर कह रहे हैं सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात, तो लिंगानुपात सर्वाधिक जौनपुर में है और सबसे कम जो है गौतम बुद्ध नगर में है। कह रहे हैं कि कजरी लोकगीत प्रसिद्ध है, देखिए जो कजरी लोकगीत है वो मिर्जापुर का कजरी लोकगीत प्रसिद्ध है। और प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि BHU के संस्थापक कौन है, तो BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। गोकुल पुरस्कार दिया जाता है, तो गोकुल पुरस्कार दोस्तों जो दिया जाता है दूध उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रदेश की न्यायिक राजधानी अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है प्रयागराज में। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी पूछे तो आपको बताना है दोस्तों कानपुर, ठीक है। कुछ पेजेस और रह गए हैं, उनको भी रिवीजन कर लेते हैं, नहीं रह गए हैं दोस्तों, सारे के सारे 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम आपके लिए अपने चैनल पर EVS का एक फटाफट रिवीजन लेकर आने वाले हैं। लगभग 40 से 45 मिनट दोस्तों आपको वीडियोस देखने हैं, उसमें जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उनको दोबारा से PDF से पढ़ना है। ये सारी की सारी PDF मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो दोस्तों इन सभी को आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे जाइए, ऐड हो जाइए और सारी PDF का फ़ायदा उठाएं। साथ में दोस्तों आप 10 दिन बचे हैं, 10 दिन हम बहुत बेहतरीन से EVS को कवर करने वाले हैं वन लाइनर फॉर्म में। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी सिलेबस से रिलेटेड चीज़ आपको EVS की हम नहीं कराएंगे, केवल क्या करेंगे, ये टॉपिक वाइज और थोड़े से जो ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो आपके EVS से बनते हैं वही हम करने वाले हैं। 10 दिन ये आपका लास्ट बिल्कुल होगा, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा बढ़िया रिवीजन नहीं हो सकता है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं तो इनसे रिवीजन हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो अभी भी इन सारी चीज़ों को सीख लीजिए, क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन साथ में प्रेस कर दीजिएगा, जैसे डेली नोटिफिकेशन आपको वीडियो आने पर मिल सके और आप 10 दिन लगातार तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।